नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 6a 5G versus OnePlus 10R 150 Watt 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में 5.99 इंच जबकि 10R 150 Watt 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में 2.83 इंच जबकि 10R 150 Watt 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Google Pixel 6a 5G में 178 ग्राम्स जबकि 10R 150 Watt 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Google Pixel 6a 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में OLED जबकि 10R 150 Watt 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Google Pixel 6a 5G में 20:9 जबकि 10R 150 Watt 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में 6.1 इंचेस जबकि 10R 150 Watt 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Google Pixel 6a 5G में 1080x2400 और 10R 150 Watt 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Google Pixel 6a 5G में 82.21% जबकि 10R 150 Watt 5G में 87.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Google Pixel 6a 5G में 431 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 10R 150 Watt 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Google Pixel 6a 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 10R 150 Watt 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Google Pixel 6a 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 10R 150 Watt 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में Mali G78MP20 जबकि 10R 150 Watt 5G में Mali G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में Google Tensor और 10R 150 Watt 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है। बात करें RAM की तो Google Pixel 6a 5G में 6GB जबकि 10R 150 Watt 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Google Pixel 6a 5G में 128GB जबकि 10R 150 Watt 5G में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Google Pixel 6a 5G में 4306 mAh जबकि 10R 150 Watt 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Google Pixel 6a 5G में 3 कलर्स जबकि 10R 150 Watt 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Google Pixel 6 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 10R 150W 5G की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Google Pixel 6 5G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 10R 150W 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 10R 150W 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 है, दूसरा Samsung Galaxy A72 है, तीसरा Samsung Galaxy S21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।